प्यारे बच्चों, अभी आपको एक तो बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग मैथ दिए हैं। ये सब मैथ प्रोबेबिलिटी के लिए भी हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का भी लिए हो सकता है, आपका और भी बहुत कुछ है, जिस ढंग से आपका कंपटीशन मैथ बोलिए चाहे क्लास का एग्जाम में आ सकता है। तो जरा क्वेश्चन सुन लीजिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए ग्रुप ऑफ फोर मेन एंड फोर वुमेन बी फॉर्म आउट ऑफ सेवन मैन एंड एट वुमेन। माने सात आदमी हैं और आठ महिला है, जिसमें सबसे चार चार करके होगा। यहाँ मैन कितना है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए। सॉल्यूशन स्टार्ट में क्या करिएगा, मैन सेवन, मैन कितना है सेवन, देखिए मैन कितना है सेवन। तो यहाँ से चार का ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ फोर मेंबर। तो क्या हो गया, सेवन माइनस फोर इक्वल टू थ्री। ए आपका याद रखना, यहां पर क्या है वोमेन। ए थ्री मतलब क्या, थ्री हमसे रेस्ट रहेगा, यहां पर क्या रहेगा वुमेन। वुमेन में एक साथ दो टो ग्रुप बन सकता है, वुमेन इक्वल टू एट। एंड ग्रुप कितना का बनेगा, ग्रुप बनेगा चार का, इसमें चार का ग्रुप बनेगा। मगर क्या होगा, यहाँ चार का ग्रुप बनने से भी क्या होगा, तीन आदमी एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो यहां से आर एक लेना तब जाए ग्रुप बनवा, यहाँ चार में एक साथ दो ग्रुप बनेगा। तो याद रखिएगा देयर फोर, तब यहां पर लिखा देयर फोर। आपका क्वेश्चन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए ग्रुप ऑफ फोर मैन एंड फोर वोमेन बी फॉर्म आउट ऑफ सेवन मैन एंड एट वोमेन। तो आप यहां पर फिर देख लीजिए, सात मैन है, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव ए सिक्स ए सेवन। ये देखिए चार ठो ग्रुप हो गया, तीन ठो बाकी रह गया। फिर यहां से एक जगह एक ठो ग्रुप होगा, मगर यहां पर क्या है डब्ल्यू एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, माने चार वन टू थ्री फोर। फिर भी देखिए वन टू थ्री फोर होगा। एक चीज याद रखिएगा, मतलब इसमें ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा काम होगा, और दोनों मिला के आपको फॉर्म करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिफरेंट वेज या नंबर ऑफ डिफरेंट वेज जो आपको लिखना है, डिफरेंट वेज इक्वल टू सेवन। सेवन लिखिएगा, सेवन माइनस थ्री मतलब कितना फोर, सेवन डिवाइड बाई सेवन होगा या सिक्स या फाइव एंड फोर डिवाइड बाई वन टू थ्री फोर। एक चीज क्या रखिएगा, मतलब क्या है देखिए एन सी आर इंटू एन सी आर। एक चीज आप क्या रखिएगा, तो आपको हम यहां करके दिखा दिए, एट माइनस फोर इक्वल टू फोर। तो इंटू क्या हो जाएगा, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव डिवाइड बाई ए उल्टा करके लिखे, यहां भी फोर थ्री टू वन लिखे, एक मालूम होता है कि जस्ट नीचे इसका जो ग्रुप है, इसका क्या होगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। अब कैंसिल करके देखिए क्या होता है, कैंसिल करके चार चार कट गया, ये तीन दो कट गया छ, सेवन इंटू फाइव दैट इज थर्टी फाइव इंटू, यहां भी देखिए फोर इंटू टू कट गया, आठ कट गया, फोर इंटू टू में आठ कट गया एंड थ्री, यहां पर कितना होगा दो, तो आपके अल्टीमेटली कितना सेवेंटी। देयरफॉर डिफरेंट वेज कितना हो गया, डिफरेंट वेज इक्वल टू टू फोर फाइव जीरो, इतना ग्रुप बनेगा। अब फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर सात आदमी है, उसका ग्रुप बनेगा, चार चार करके ग्रुप बनेगा। तो एक दो तीन चार का मिलके एक ग्रुप हुआ, फिर सोचिए एक दो तीन पांच मिला के चार हो गया, एक दो तीन इसका छह मिला के होगा, तो हमेशा तीन ठो करके छूट रहेगा, यानी तीन ठो खाली रहेगा। मगर इस औरत लोगों का जगह में वहां क्या होगा, चार आदमी में चार औरत मिलकर दो ग्रुप, तो एक साथ दो ग्रुप बनेगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में अच्छा लगे आप अपना ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा।
दोस्तों को दिखाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।